so hello everyone welcome back to my channel psychology part shala and uh, again we are meeting after so long um, you know thoda sa, uh, busy uh, hai to, uh, it's, it's really really difficult but i am always you know trying to make it like you know to come up with the the uh, topics so that it would be of great help to you okay तो जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में कहा था कि आई विल बी ब्रिंगिंग द लाइफ स्टाइल इन क्रॉनिक डिजीज़ जिसमें कि तीनों आपके सिलेबस में हैं यू जी नेट के डायबिटीज़ हाइपर टेंशन ये तीनों टॉपिक्स हैं एंड यू नो द मेजर सबसे ज़्यादा एक एक डिफ़िकल्ट थिंग ये होती है कि हमें समझ नहीं आता कि हम इसमें क्या पढ़ें यू नो कितना पढ़ें तो uh, मैंने जितना यू नो आई हैव सॉल्व जब मैंने दिया था जब मेरा uh, हुआ था तो आई आई सर्ज ऑलमोस्ट इतने सारे पेपर्स मैंने देखे थे जब ये जब जहाँ से ये एमरजेंस सॉरी एमरजिंग एरियाज़ वाला टॉपिक ऐड हुआ है तो उसमें जितना भी क्वेश्चंस पूछा है या जो भी मैंने मॉक्स लगाए थे या वॉट ये जो मैं इस वीडियो में आई हैव ब्रॉड जितना भी इंफॉर्मेशन कवर्ड है आई थिंक ये आपके लिए इनफ होगा इस इस टॉपिक को इस यूनिट को पढ़ने के लिए सो आई थिंक अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आपको कहीं पर भी इतना कुछ यू you नो know, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ऑफ़ कोर्स ये थोड़ा सा ईजी है ये सारे टॉपिक्स एंड ये बहुत मार्क्स गेनिंग होते हैं इसको सिर्फ थोड़ा सा आपको मेमोराइज़ करना है एंड वंस यू मेमोराइज इट इट विल यू नो गेट ईजी ऑफ यू ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए इसके क्वेश्चन सोल्व करना तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम आगे बढ़ते हैं ओके okay, एंड uh, अब थोड़ा सा यू नो वक्त नज़दीक आ गया है इसीलिए यू नो आई एम ब्रिंगिंग अब मैं मैं सोच रही हूँ कि एक वीडियो में थोड़ा सा लंबा लंबा कर दूँ एंड आफ्टर दिस एक कुबला रॉस का मॉडल है लाइफ एंड यू नो डेथ डेथ के स्टेजेस उसमें है तो दिस आई विल बी ब्रिंगिंग आफ्टर दिस वीडियो आई विल सी मैं देखती हूँ कि uh, मैं कुबलर कुबलोस ब्रिंग और न्यूरो इम्यूनोलॉजी का भी है तो आप एक बार कमेंट करके बता देना कि विच इज़ मच बेटर फॉर यू क्या आप पढ़ना चाहते हो ओके okay, सो so, uh, अगर अच्छा लगे वीडियो तो डू लाइक इट एंड ऑल्सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स कमेंट करना सब्सक्राइब करना मत भूलना सो दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं सबसे पहला टॉपिक है कोरोनरी हार्ट डिजीज़ विच वी विल बी स्टडिंग सी एच डी जो है वो एक मेजर क्रॉनिक डिजीज़ है सी एच डी ऑफकोर्स कोरोनरी हार्ट डिजीज़ इज़ अ वेरी वेरी मेजर क्रॉनिक डिजीज़ और जो सी एच डी होता है ये क्या है एक जनरल टर्म है जो किसको रेफर करेगा टू द इलनेसेस दैट आर कॉज्ड बाई एथिर एथिरोस्टलॉसिस क्या होता है अब देखो ये सारे वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं यही सब पूछता है एंड दीज आर दर्ड्स दैट यू नीड टू रिमेम्बर तो एथिरस्टलॉसिस जो है उससे क्या होता है उससे सी एच डी होगा ठीक है ये क्या होता है ये एथिरोस्टलॉसिस ये क्या होता है कि आपकी जो कॉरोनरी आर्ट्रीज होती है ये बहुत नैरो हो जाती है कोरोनरी क्या होती है आप लोग को पता होगा कि दीज आर वेसल्स जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है तो जब ये वेसल्स नैरो हो जाएंगे या क्लोज हो जाते हैं तो जो ऑक्सीजन का फ्लो है जो नरिशमेंट हार्ट को मिल रही है वो पार्शियली या कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है तो या तो वो पार्शियली ऑबस्ट्रक्ट uh, करेगा या पूरी तरह से उसे ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा यानी रोक देगा राइट right. तो सी एच डी क्या है सी एच डी एक जनरल टर्म है जो कि इलनेसिस uh, को रेफर करता है विच इज कॉज बाय एथीरोस्कलॉसिस एथिर क्या होता है कोरोनरी आर्ट्रीज का नैरो होना ठीक है इज द ंग ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज और कोरोनरी आर्टरीज क्या होती है ऑफकोर्स आपको हार्ट का पता होगा ना आर्ट्रिकल्स um, वेंट्रिकल art ये सारा कुछ तो कोरोनरी आर्ट्रीज क्या है वो वेसल्स हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है और जब ये नैरो या क्लोज हो जाती है तो ऑक्सीजन का जो फ्लो है जो नरिशमेंट टू द हार्ट है वो पार्शली या कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है राइट right? अब बताइए अब आपके हार्ट को ब्लड ही नहीं मिल रहा है तो जो शॉर्टेज होता है ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्योंकि नहीं जा पा रहा है इस वजह से ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है तो ये जो शॉर्टेज होता है टेम्प्रेरी शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन और जो नरिशमेंट जो इसमें होता है इट इज कॉजिंग पेन इसको क्या कहते हैं एंजीना पेक्टोरिस ये जो पेन है इट इज नोन एज एंजीना पेक्टोरिस ये रेडिएट करता है अक्रॉस द चेस्ट एन आर्म तो ये आपको कहाँ पे दर्द होता है चेस्ट और आर्म के तरफ एंड जब ये सीवियर डिप्रीवेशन होने लगता है तो एक हार्ट अटैक दैट इज मायोकार्डियल इन्फॉक्शन रिजल्ट हो जाता है तो ये चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कुछ कुछ चीज़ें जैसे एथिर क्या होता है फिर इसमें ये पूछ सकता है कि जो आर्ट कोरोनरी आर्ट्रीज है वो क्या होती है नैरो हो जाती है क्लोज हो जाती है या फिर ये थिकन और ओपन uh, हो जाती है तो दिस इज नीड टू रिमेंबर ऑफ कोर्स बंद हो जाएगी तभी तो अब देखिए अब दरवाजा बंद हो जाएगा तो आप अंदर कैसे आएंगे है ना तो अगर क्लास का दरवाजा ही बंद है तो आप अंदर नहीं आ पा रहे हैं और जब आप अंदर नहीं आ पा रहे तो आप पढ़ नहीं पा रहे ऑफ कोर्स इसी तरह जब हार्ट का दरवाज़ा बंद हो गया ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच पा रहा है तो नरिशमेंट नहीं मिल रही है और जो टेम्प्रेरी शॉर्टेज है अगर कुछ प्रॉब्लम होती है कुछ टेम्प्रेरी शॉर्टेज है तो उसको अंजीना पेक्टोरिस कहते हैं और ये चेस्ट और आर्म की तरफ रेडिएट करेगा लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सीरियस डिप्रिवेशन हो गया जब वो फुल्ली ऑब्स्ट्रक्ट हो गया तो एक हार्ट अटैक हार्ट अटैक को मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी बोलते हैं दिस कैन रिजल्ट क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं ये भी पूछता है कोर्स आपका हाई कोलेस्ट्रॉल है हाई बीपी है बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है डायबिटीज़ है है ना आप सिगरेट स्मोकिंग ये सारी चीजें ओबेसिटी हो गया बहुत कम आप एक्सरसाइज करते हो आपका पुअर डाइट है आप बहुत कम वेजिटेबल फ्रूट्स खाते हो सो so, ये लिटिल आपके पास सोशल सपोर्ट की बहुत कमी है course, ये इसलिए आता है क्योंकि जब आपके पास सोशल सपोर्ट की कमी है या आप लोनलीनेस आपको फील हो रहा है स्ट्रेस कॉज हो रहा है आप किसी से बात नहीं कर पा रहे आपको मन ही मन में ही और यू नो बंपिंग इट एंड स्ट्रेस हो रहा है तो इससे भी है सो so, ये जो है जब आप लोगों को मेटाबॉलिक सिंड्रोम से आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर उनके अंदर कोई मेटाबॉलिज्म कोई सिंड्रोम है कोई प्रॉब्लम है तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि उनको हार्ट अटैक के चांसेस हो सकते हैं अब बायोलॉजिकल रिएक्टिविटी टू स्ट्रेस जो है वो सी डी में कॉन्ट्रीब्यूशन देता है राइट right? बायोलॉजिकल रिएक्टिविटी टू स्ट्रेस यानी जब हमें स्ट्रेस हो रहा है इसका मतलब क्या होता है जब स्ट्रेस होता है अच्छा यू मस्ट मी नोइंग देखो इसमें मैंने काफ़ी थोड़ी थोड़ी चीजें ऐड नहीं की है ताकि जब आप इसको यू नो थोड़ा पढ़ते हो तो आपको ये आना चाहिए कि मुझे ये पता है या नहीं तो स्ट्रेस किससे एसोसिएटेड है अड्रिनल ग्लैंड से अड्रिनलिन सिक्रीट होता है कॉटिसल सिक्रीट होता है ये सारे क्या है स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन्स तो जो स्ट्रेस बायोलॉजिकल रिएक्टिविटी क्या है यह कॉन्ट्रीब्यूट करती है सी एच डी के डेवलप डेवलपमेंट को ठीक है मतलब इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी दैट कैन अकंपनी द स्ट्रेस जिससे आपको स्ट्रेस हो सकता है तो ये क्या करता है जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स होते हैं ये आपके एंडोथीलियल सेल्स को डैमेज कर देते हैं है ना और ये लिपिड्स जो होते हैं लिपिड यानी प्रोटीन ऑफ कोर्स लिपिड्स क्या है ये डिपॉजिट कर प्लेग को डिपॉजिट कर देता है इससे इन्फ्लेमेशन बढ़ता है और लेजन भी डेवलप हो सकते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम आप कैसे डायग्नोस करेंगे अभी इसके पहले मैं हम लोग ने बात किया ना कि जब मेटाबोलिक uh, सिंड्रोम अगर आप लोगों को आइडेंटिफाई कर ले तो आप हार्ट अटैक प्रिडिक्ट कर सकते हैं लेकिन मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता क्या है जब भी पर्सन के पास इनमें से तीन या ज्यादा प्रॉब्लम होगी अगर उसकी ओबेसिटी सेंटर्ड है अराउंड द वेस्ट द ओबेसिटी सेंटर्ड अराउंड द वेस्ट उसका हाई बीपी है एचडीएल uh, डी उसका यू नो लो लेवल ऑफ़ यानी द सो कॉल्ड गुड कोलेस्ट्रॉल मेटाबोलाइजिंग शुगर इसमें इसको प्रॉब्लम हो रही है है ना जो कि डायबिटीज का एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर हो सकता है ओके okay. और ट्रिगल स्ट्राइट्स जो बैड कोलेस्ट्रॉल से देखो गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल इसके बारे में भी यू विल गेट टू नो लेकिन ये डिस्कस कर लेंगे uh, कि जो हाई लेवल ऑफ ट्रिगल स्ट्राइक्स होते हैं ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है अगर ट्रिगल स्ट्राइक्स बहुत ज़्यादा है तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है राइट right? तो ट्रिगल स्ट्राइक्स इज रिलेटेड टू कोलेस्ट्रॉल थिंग तो ये वर्ड भी याद रखना स्ट्रेस क्या है स्ट्रेस और सी का क्या रिलेशन है इस ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कल्प्रिट माना जाता है है ना और ये क्या करता है ये जेनेटिकली बेस्ड वीकनेसेस से इंट्रैक्ट करता है उसके लाइवलीहुड को और ज़्यादा बढ़ा लेता है क्रॉनिक स्ट्रेस जो है किसी ट्रॉमा से आप एक्सपोज हो गए हैं आपको क्यूट स्ट्रेस है सी एच डी क्लिनिकल इवेंट इससे सारा भी लिंक्ड है एक्यूट स्ट्रेस है अगर मान लो कोई किसी तरीका का इमोशनल प्रेशर है जैसे कभी कभी काम का प्रेशर होता है ये क्या है क्यूट स्ट्रेस है काम हो जाएगा आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा दिस इज छोटे छोटे स्ट्रेस होते हैं एंगर है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एक्साइटमेंट हो रही है नेगेटिव इमोशन आ रहे हैं है ना हार्ट अटैक ये सारे जो है ये प्रेसिपिटेट कर सकते यानी ये चांसेस बढ़ा सकते हैं तो जो स्ट्रेस रिएक्टिविटी एसोसिएटेड विद इवेंट ये प्लेक रप्चर से लीड करता है और क्लॉट का भी रिस्क आ सकता है तो इस वजह से ये जो प्रोसेस है ये एक्सप्लेन कर सकता है कि क्यों जो स्ट्रेस है ये एक्यूट कोरोनरी इवेंट यानी हार्ट अटैक्स को भी ला सकता है इससे ये चीजें हो सकती है राइट right? क्योंकि वो प्लेक रप्चर कॉज कर सकता है एंड क्लॉट का रिस्क आ सकता है लो सोशल स्टेटस भी इसमें आता है लो इकोनॉमिक स्टेटस तो ये जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं ये किसमें सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में कम तो ये देखो ये एजर्शन रीजन में भी आता है ये एजर्शन रीजन में पूछ सकता है तो ये सारी कुछ फाइंडिंग्स है यू नीड टू नो ठीक है तो ये क्या कहता है कि ज्यादा क्रोनिक स्ट्रेस होगा जितना ज्यादा उतना ही वो कम सोशियो इकोनॉमिक लेडर पे होते हैं मतलब सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जिसका कम है उसको ज्यादा स्ट्रेस होगा क्यों होता है अच्छा इसका रीजन भी तो जानो कि मान लो क्यों होता है जब आपको सोशल इकोनॉमिक स्टेटस कम है तो आपके लाइफ में नो यू हैव लॉट्स ऑफ है आपको और ज्यादा काम करना है कैसे करें मैनेज करना है सारी चीजें तो ये सारा एक बर्डन होता है रिसर्च ने ये भी बताया है, demand, work, है तो disease, ये याद रखना तो रिसर्च ने बोला कि जो कंट्रोल एंड डिमांड में जो एक इम्बैलेंस आता है ठीक है जिसमें कि बहुत ज्यादा डिमांड है लेकिन कंट्रोल आपका बहुत कम है इसमें भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है सोशल इंस्टेबिलिटी अगर आप बार बार इधर से उधर जैसे होता है ना कि जैसे होता है कुछ लोगों का जॉब्स पे बहुत ट्रांसफर होता है तो दैट इज ऑल्सो ऑफ अ टेंशन दैट इज क्रिएटेड अब आप बार बार इनस्टेबल आप अनस्टेबल हो आप बार बार इधर से उधर कर रहे हो आपकी चीजें तो दैट इज ऑल्सो सोशल इंस्टेबिलिटी हम्म वुमेन को आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो कि उसको उनको जल्दी कोरोनरी uh, डिजीज ना हो उनको आप कर सकते हो बाय द फैक्टर्स रिलेटेड टू ईस्ट्रोजन जो ईस्ट्रोजन होता है वो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम का जो अराइजल हो होगा उसको कम कर देता है एंड प्री मेनोपोजल वुमेन जो है दे शो स्मॉलर इंक्रीजेस इन ब्लड प्रेशर एंड न्यूरो एंडोक्रीन मेटाबॉलिक रेस्पॉन्स मेन एंड ओल्डर वुमन तो ये जो है, ये जो प्री इनमें स कम होता है तो आपको पता ही होगा सिंपेटिक और पैरा नर्वस सिस्टम क्या होता है अगर कोई फाइट या फ्लाइट की सिचुएशन है वहां पे आपका सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम अराउज हो जाता है राइट और जब वो पूरी सिचुएशन खत्म हो जाती है तो आपका पैरा नर्वस सिस्टम वर्क करता है जो आपको काम डाउन करने में रिलैक्स करने में और आपकी इनिशियल स्टेट पोजीशन में आपको लाने में मदद करता है राइट अगर कोई बहुत फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस हो गया तो, तो सिंपेटिक तो आपको कौन शांत कर रहा है दे आर पार्ट ऑफ ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम तो ये सारा कुछ यू नो you know, पढ़ो और अच्छे से याद रखो तो जो वुमेन का रिस्क होता है कोरोनरी हार्ट डिजीज का वो ऊपर चला जाता है मेनोपॉज के बाद यानी ओल्डर वुमेन में रिस्क ज्यादा है वेट गेन ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है ट्रिगल स्ट्राइड्स ट्रिगल स्ट्राइड इज ऑल्सो नोन एज बैड डायबिटीज तो ये भी याद रखो गुड डायबिटीज बैड डायबिटीज ये भी पूछता है हाइटेंड अगर कार्डियोवेस्कुलर रिएक्टिविटी है ठीक है नेगेटिव इमोशन है एंगर है बहुत ज्यादा हॉस्टिलिटी है इससे भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम बहुत ज़्यादा बढ़ता है ठीक है तो एंगर जो है आपका रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज ही नहीं सिर्फ बढ़ाता है बट ऑल्सो ये प्रिडिक्ट करता है पोअर लाइटलीहुड ऑफ सर्वाइवल एक पोटेंशियल ट्रिगर की तरह एक्ट करता है ये फिर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ हॉस्टिलिटी होती है स्पेशली इंप्लीकेटेड जिसको हम कहते हैं सिनिकल हॉस्टिलिटी इसमें क्या आता है ये भी पूछ सकता है सिनिकल हॉस्टिलिटी क्या क्या होती है इसमें क्या? क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ साइकोलॉजी आपको पता होना चाहिए जैसे सस्पिशियसनेस आपके अंदर आ गई रिजेंटमेंट है फ्रीक्वेंट आप जल्दी बहुत गुस्सा हो जा रहे हो आप दूसरों को ट्रस्ट नहीं करते हो जिनके जिन जो लोग जिनके पास नेगेटिव बिलीव होता है दूसरों के बारे में यू नो देप्शन होता है कि जो दूसरे लोग हैं वो एंटागोनिस्टिक है बहुत थ्रेटनिंग है दे आर ऑफेन वर्बली एसिव तो ये जो है इस तरीके के बिहेवियर शो करते हैं जो सिनिकल हॉस्टिलिटी में अगर आप इतने हाई हो तो आपको सोशल सपोर्ट कम मिलेगा है ना आप सब सोशल सपोर्ट कम मिलेगा आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी स्ट्रेस होगा ठीक है तो डिप्रेशन क्या करता है डिप्रेशन अफेक्ट्स द प्रोग्रेशन एंड मोटिलिटी फ्रॉम द सीएचडी डिप्रेशन और सीएचडी का भी रिलेशन जो है ये अब इतना ज्यादा वेल स्टैब्लिश है कि बहुत सारे प्रैक्टिसनर बिलीव करते हैं कि जो सी एच डी पेशेंट हैं उनको आपको डिप्रेशन के लिए बिल्कुल बिल्कुल देखना ही चाहिए कि उनको डिप्रेशन है या नहीं है ठीक है तो इसको भी बहुत ज्यादा लाइटलीहुड होता है डिप्रेशन का भी विच इज लिंक्ड टू दिस परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे जो इस ये लिंक्ड है इट इज थ्रू इन्फ्लेमेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीका जिससे कि ये लिंक्ड है वो क्या है इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेमेशन टिपिकली मेजर्ड एज अ सी रिएक्टिव प्रोटीन ये क्या होता है इन्फ्लेमेशन किसको मेजर किया जाता है वो एक सी रिएक्टिव प्रोटीन की तरह मेजर हो रहा है बिल्डअप हो रहा है जो अभी जिसके पहले हम लोग बात किए थे तो डिप्रेशन जो है वो सी रिएक्टिव प्रोटीन से क्लोजली लिंक्ड होता है इन द हु आर हॉस्टाइल ठीक है तो ये भी बहुत ज्यादा याद रखना समटाइम्स एक एक्यूट कोरोनरी इवेंट जैसे हार्ट अटैक ये एक डिप्रेस एग्जॉस्टेड मेंटल स्टेट में रिजल्ट करेगा और आपका लेटेंट वायरसेस रिएक्टिवेट हो जाएंगे और कोरोनरी वेसल्स इन्फ्लमेट हो जाएगी इसमें एक टर्म आता है विजिलेंट कोपिंग विजिलेंट कोपिंग क्या होते हैं विजिलेंट कोपिंग इज बेसिकली जो आप सर्च करते हो को फॉर द पोटेंशियल देखो दोटेंशियल मतलब रहना, 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 मतलब राइट तो ये क्या है आप क्रॉनिकली सर्च करते हो भाई क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते क्या थ्रेट हो सकते हैं हार्ट डिजीज के एनजायटी क्या करता है ये प्रिडिक्ट करता है वर्सेंट कोर्स ऑफ इननेस सडन डेथ भी इससे हो जाती है क्योंकि जो एंजाइटी होती है वो आपका पैरासिम्पेथेटिक कंट्रोल ऑफ हार्ट रेट को कम कर देती है अब जो पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम होता है जो आपके पहले पहले में आपको यू you नो know, लाता है अगर आपको इतनी ज्यादा एंजाइटी हो गई है तो क्या होता है पैरासिंपेटिक कंट्रोल जो होता है हार्ट रेट का वो जो है कम हो जाता है वो कंट्रोल नहीं कर पाता है नहीं इस वजह से कार्डियक अरेस्ट आप देख रहे हो आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है दिस इज वाई दिस इज बिकॉज ऑफ एन्जाइटी ड्यूरिंग कोविड टाइम्स ऑल्सो इतनी ज्यादा लोगों में एनजाइटी थी कि कार्डियक अरेस्ट वॉज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजन्स जिसमें इतने डेथ हो रहे थे राइट सोशल आइसोलेशन क्या है ये भी एक इंक्रीज रिस्क होता है सी एच डी के लिए ठीक है तो द टेंडेंसी टू एक्सपीरियंस नेगेटिव इमोशन जब आप इनहिबिट करते हो उनके एक्सप्रेशन को जैसे टाइप डी जो होता है डिस्ट्रेस्ड पर्सनैलिटी टाइप डी क्या होता है टाइप डी आप लोग ने पढ़ा होगा एबीसीडी टाइप शेल्डन प्रपोज तो याद रखो ठीक है टाइप एबीसीडी ये सारे टाइप डी थे ना टाइप डी किसके लिए रिस्क होता है कैंसर ठीक है अब इसका आप मैनेजमेंट कैसे करोगे प्रिवेंट डिले देखो सबसे ज़्यादा क्या होता है कि हम डिले कर देते हैं हम चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा डिले करते हैं अगर हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है कोई चीज़ें हो रही है कोई सिम्टम्स लग रहे हैं कोई गैस्ट्रिक डिस्ट्र कोई कोई भी प्रॉब्लम है तो हम क्या करते हैं हम उसको डिले कर देते हैं हम बिलीव करते हैं कि चलो जब बढ़ जाएगा तब हम जाएंगे डॉक्टर के पास नो डोंट डू दिस डिलेज़ को प्रिवेंट करो पहले ही एक्शन लो यू नो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर क्यों कहा जाता है तो ये डिलेज प्रिवेंट करो कार्डियटेशन होता है इसमें एक जिसमें कि जो लोग होते हैं हार्ट डिजीज के संग वो अपना ऑप्टिमल फिजिकल मेडिकल साइकोसोशल इनको हर तरीके के स्टेटस को ऑप्टिमल रखते हैं ऑप्टिमल मतलब क्या होता है एक आइडियल पोजीशन ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा है ना तो ये क्या करता है उस सिविरिटी को डिजीज़ की कम करता है और ज़्यादा वो डिजीज ना बढ़े उसको देखता है और साइको साइकोलॉजिकल और सोशल एडजस्टमेंट प्रमोट करता है फिर डाइट हो गया अपनी डाइट को अच्छी रखो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स हो गई ट्रेनिंग रिलैक्सेशन टेक्निक्स माइंडफुलनेस कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी सोशल सपोर्ट ऑल ऑफ दीज ये सारे आपके सी को मैनेज कर सकते हैं सो आई होप कि इसमें जितनी चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई होगी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये भी देख लो मेडिकेशन एक इसका कंपोनेंट है मेडिकेशन मेडिकेशन Med में भी क्या है कि एक एस्पिरिन है ये सबसे ज्यादा कॉमनली प्रेस्क्राइब्ड है फॉर द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक्स ठीक है ये ब्लड क्लॉट्स को प्रिवेंट करती है एंजाइम्स को ये ब्लॉक कर देती है जिससे प्लेटिलेट्स एग्रीगेट होते हैं राइट right? तो इन्फ्लेमेशन जिससे कॉज हो रहा है उसको ये लिमिट करता है तो एस्पिरिन इज वन ऑफ द मेडिसिन दैट इज बीन प्रेस्क्राइब्ड मोस्टली तो ये भी पूछ सकता है ठीक है सो दिस वॉज मोस्टली अबाउट सी एच डी जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी सारी कवर हो चुकी है इसमें और ज्यादा ऐसा कुछ भी नहीं है तो जो भी मैंने टर्म्स यूज किए उसको याद रखना उसको एक बार और पढ़ लेना ठीक है कमिंग ऑन टू दाइपर टेंशन हाइपर टेंशन क्या होता है ब्लड प्रेशर सुना होगा हाई बीपी हो गया अरे उसको हाई बीपी लो बी पी दिस हाइपर अब ये हाइपर टेंशन है तो यहाँ पे हम हाई बीपी की ही बात करेंगे

और कोई भी चीज की कमी भी खराब है सो दिस इज द ओनली थिंग ये याद रखो कि एक्सेसिव भी नहीं होना है तो जब सप्लाई ऑफ ब्लड एक्सेसिव हो गया तो हाई बीपी हो गया इट कैन अकर कार्डियक आउटपुट इज टू हाई और ये क्या होता है कि ये प्रेशर डालता है वॉल्स पे जब ब्लड फ्लो बढ़ेगा ठीक है इट ऑल्सो अकर्स इन रेस्पॉन्स टू पेरीफेरल रेजिस्टेंस मतलब स्मॉल आर्टरीज में जब ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है अब अब बताइए दो तीन रास्ते हैं किसी चीज को जाने के लिए वो दो रास्ते पे जा ही नहीं पा रहा तो एक रास्ते पे तो फ्लड आ जाएगी ना सो दिस इज लाइक वो ये एक चीज है तो ये एक सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम है और ये हार्ट डिजीज और किडनी फेलियर का दूसरा कारण होता है कि अगर किसी को हार्ट अटैक आ गया तो कहते हैं ना अरे रहे हाई बीपी होगा ठीक है तो ये किडनी फेलियर भी इससे रिलेटेड है अनट्रीटेड हाइपर टेंशन से कॉग्नेटिव फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आएगी लर्निंग मेमोरी कॉग्निशन पता है ना लर्निंग मेमोरी अटेंशन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी ये सारे सिग्निफिकेंट होते हैं यंग हाइपर टेंसिवस पर है ना आजकल हम बहुत ज्यादा यू नो टेंशन लेते हैं हाइपर टेंशन को हम कैसे असेस करते हैं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक तो असेस बाय द लेवल्स ऑफ़ द सिस्टोलिक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो स्पिगमेनोमीटर मेजर करता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर क्या है द ग्रेटेस्ट फोर्स डेवलप्ड ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट्स वेंट्रिकल्स ठीक है तो सिस्टोलिक मतलब कि जब हार्ट के वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं एंड इज जब वो रिलैक्स हो रहे हैं तो इट इज़ रिलेटेड टू द रेजिस्टेंस ऑफ द ब्लड वेसल्स टू ब्लड फ्लो रेजिस्ट कर रहा है रोक रहा है ऑफ़ द टू सिस्टोलिक का समट ग्रेटर वैल्यू होता है हाइपर को डायग्नोज करने में तो सबसे ज़्यादा एक होता है ना इंपॉर्टेंस होना किसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है सिस्टोलिक प्रेशर की ठीक है और सिस्टॉलिक अगर वन के अंडर में है अस्सी एक होता है इट इज़ एटी 120 बट अगर सिस्टॉलिक को आप वन के अंडर रखोगे तो बेस्ट होता है अगर माइल्ड है सिस्टोलिक प्रेशर कंसिस्टेंटली 140-159 के बीच में है तो आपको माइल्ड हाइपरटेंशन है अगर 160-179 के बीच में है तो मॉडरेट है और सीवियर कब होती है जब कंसिस्टेंटली 180 के ऊपर आएगा तो तो सीवियर हो जाएगी सॉरी ब्लड प्रेशर रेंज देख लो यहाँ पे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक मैंने बोला ना लेस देन एट्टी अस्सी एक सौ बीस होता है तो हेल्दी ये होगा एलिवेटेड वन ट्वेंटी टू वन ट्वेंटी नाइन लेस देन एटी स्टेज वन हाइपर टेंशन स्टेज टू तो ये थोड़ा सा या तो इसको याद रख लो या तो ये जो दिया गया है सिस्टोलिक वाला याद रख लो दे बोथ विल गो उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली फाइव परसेंट ऑफ हाइपर टेंशन क्या होता है इट इज़ कॉज बाय द फेलियर ऑफ़ किडनीज टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर क्योंकि किडनी ब्लड प्रेशर रेगुलेट नहीं कर पाती है उसकी वजह से भी हाइपर टेंशन होता है ब्लड प्रेशर रिएक्टिविटी इन चाइल्डहुड एंड एंड अब जो ब्लड प्रेशर की रिएक्टिविटी चाइल्डहुड और ऑडोलिसिन में होती है वो आपके लेटर डेवलपमेंट ऑफ हाइपर को देखती है जेनेटिक फैक्टर्स भी एक रोल प्ले करते हैं अगर पेरेंट का हाई बी है तो ऑफस्प्रिंग के 45% परसेंट चांस होते हैं कि उसको भी हो सकते हैं दोनों के हैं अगर दोनों को हाई बी है तो 95% परसेंट चांस होता है ठीक है इमोशनल फैक्टर्स भी इम्प्लीकेट होते हैं फैमिली इन्वायरमेंट जिसमें बहुत क्रॉनिक एंगर है ये भी इम्प्लीकेट होता है तो सोशल कॉम्पिटेंस अगर आता है तो सी, जो ये है सीवीडी है वो उसका रिस्क कम हो जाता है सबसे ज़्यादा बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या होती है इसके इसके ट्रीटमेंट में कि बहुत सारे लोग जो हाइपरटेंसिव होते हैं उनको पता ही नहीं होता इसके बारे में इट इज़ अ सिम्टमलेस डिजीज़ एंड मेनी थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु डू नॉट गेट रेगुलर फ़िजिकल सफर्स फ्रॉम हाइपरटेंशन विदाउट रियलाइजिंग इट इसमें उनको लोअर क्वालिटी ऑफ लाइफ हो जाती है कॉगोनेटिव फंक्शनिंग कॉम्प्रोमाइज़ होती है सोशल एक्टिविटीज़ कम कर पाते हैं तो ये एक बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ है एक तरीके से ठीक है अब इसमें स्ट्रोक भी होता है सम स्ट्रोक्स अकर वेन ब्लड फ्लो टू लोकलाइज एरिया इज इन्फेक्टेड ठीक है जैसे आर्टिस्ट क्लॉसिस या हाइपर इसको कहते हैं आर्टिस्ट क्लॉसिस जैसे जो आर्टिस्ट क्लॉटिक प्लेग डैमेज द दे सेरेब्रल ये क्या करता है ये प्लेग जो है सेरेब्रल ब्लड वेसल्स को डैमेज करती है जो कि डैमेज एरिया ब्लड क्लॉथ स्ट्रैप करेगी विच इज नोन एज थ्रॉम्बी या वो प्रोड्यूस करेगी सर्कुलेटिंग ब्लड कॉल्स जिसको कहते दे हैं एम्बोली और फ्लो ऑफ ब्लड को वो ब्लॉक कर देता है राइट right? तो स्ट्रोक जो है वो सेरेब्रल है, हैमेज से भी हो सकता है कहते हैं ना उसको ब्रेन हैमरेज हो गया सेरेब्रल हैमेज स्ट्रोक इससे भी होता है जहाँ पे ब्लड वेसल रप्चर हो जाती है जब ब्लड जो है वो आपके ब्रेन में लीक करेगा लार्ज एरियाज ऑफ नर्वस टिश्यू में भी कंप्रेस्ड अगेंस्ट द स्कल प्रोड्यूसिंग वाइड स्प्रेड ऑफ फटल डैमेज इस पर भी एस्पिरिन बोला जाता है इसका इमीडिएट बेनिफिट होता है कोएगुलेशन को प्रिवेंट करने के लिए अब जो एपीए है जो एएसए है उन्होंने बोला कि ये वार्निंग साइंस है स्ट्रोक के अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है दैट मींस कि दीज आर द वार्निंग सडन नमनेस है वीकनेस हो रही है वन साइड ऑफ द बॉडी में कंफ्यूजन यू आर अनेबल टू स्पीक अंडरस्टैंड यू आर ट्रबल सींग देखने में दिक्कत हो रही है वॉकिंग में दिक्कत है लॉस ऑफ बैलेंस कोऑर्डिनेशन सीवियर हैड एक ऑल ऑफ दीज आर द सिम्टम्स रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं स्ट्रोक के

इमिडिएटली आफ्टर अ स्ट्रोक मोटर डिफिकल्टीज कॉमन है मोटर डिफिकल्टीज क्यों होती है क्योंकि राइट साइड ऑफ द ब्रेन मूवमेंट लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल राइट तो ये क्या होता है ये अगर स्ट्रोक आपको लेफ्ट ब्रेन उस पर पड़ा है तो राइट वाले पे इफेक्ट आएगा क्योंकि ये यू नो दूसरे उस पर चलता है राइट right. तो अब आ जाओ और स्ट्रोक अगर हो रहा है तो दूसरों पे आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट भी हो जाते हो क्योंकि आप कोई भी काम उतना नहीं कर सकते आपको ट्रबल हो रही है वॉक करने में अंडरस्टैंड करने में ऑल ऑफ दीज इमोशनल प्रॉब्लम्स से भी रिजल्ट होता है अब फाइनली आते हैं डायबिटीज़ वन एंड डायबिटीज़ टू पर टाइप वन डायबिटीज़ को हम जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहते हैं या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है ये क्रॉनिक कंडीशन है जहाँ पे पैंक्रियाज जो है वो बहुत ही कम या बिल्कुल इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता है इंसुलिन क्या है इट इज़ अ हार्मोन पैंक्रियाज पैंक्रिएटिक ग्लैंड रिलीज इंसुलिन तो इंसुलिन एक हार्मोन है नीडेड टू अलाउ शुगर दैट इज़ ग्लूकोज टू एंटर सेल्स टू प्रोड्यूस एनर्जी ऑफकोर्स ग्लूकोज क्या करता है हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करता है तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो अलाउ करता है शुगर को ग्लूकोज को कि वो सेल्स में एंटर करे एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए राइट तो टाइप वन को हम इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप देखा होगा कि लोग इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाते हैं दिस इज इन टाइप वन जेनेटिक्स है, है, है। कोई वायरस इससे भी टाइप डायबिटीज होता है. ये मोस्टली चाइल्डहुड या ड में हो जाता है डेवलप एडल्ट में भी हो सकता है बट मोस्टली हो जाता है आजकल तो बच्चों को बहुत ज्यादा हो रहा है 1 का इतना कोई क्योर नहीं है बेसिकली ये ब्लड शुगर लेवल्स को मैनेज करता है डाइट लाइफस्टाइल आपको बहुत सोच समझ के करनी पड़ेगी टू प्रिवेंट एनी कॉम्प्लिकेशन इसका क्या है आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा इवन बेड वेटिंग हो जाता है इन चिल्ड्रन बहुत भूख लगती है अन इंटेंडेड वेट लॉस इरिटेबिलिटी मूड चेंजेस फटीक वीकनेस ब्लड विजन ये सारे इसके सिम्टम्स हैं टाइप वन डायबिटीज इसका स्क्रीन शॉट ले लेना इट विल हेल्प यू टाइप वन डायबिटीज इज थॉट टू बी कॉज बाय ऑटो इम्यून रिएक्शन ऑटो इम्यून क्या होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसे होता है ना मल्टीपल्स क्लॉसिस इट्स अ मल्टीपल इट्स अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ना तो इसी तरह टाइप वन डायबिटीज़ क्या है इट इस टू बी कॉज बाय ऑटो इम्यून रिएक्शन द बॉडी अटैक्स इट सेल्फ बाई मिस्टेक वो खुद बाय मिस्टेक खुद की बॉडी में ही वो अटैक कर देती है ये रिएक्शन क्या करता है सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है पैनक्रियाज में जो इंसुलिन बना रहे होते हैं तो ये रिएक्शन जो है वो आपके पैनक्रियाज पे जो सेल्स है उस पर अटैक कर देता है जो इंसुलिन बनाते हैं इनको बीटा सेल्स कहते हैं है ना और यह प्रोसेस मंथ्स ईयर्स तक चलता है जैसे हाइपोग्लिसमिया है हाइपो मतलब लोब हाइपो का मतलब कम होता है लो ब्लड शुगर यह होने लगता है और इसको तुरंत ट्रीट करना होता है क्योंकि जब बॉडी ने खुद रिएक्ट कर दिया और पेन पेनक्रियास पे जो इंसुलिन बना रहा है उस पर ही रिएक्शन हो गया तो इंसुलिन नहीं बना पाएगा ठीक है टू मच इंसुलिन वेटिंग टू लॉन्ग अब इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टू मच इंसुलिन है इट इज़ caused by टू मच इंसुलिन वेटिंग टू लॉन्ग फॉर मील नॉट ईटिंग इन getting एक्स्ट्रा फिजिकल एक्टिविटी ठीक है इससे डायबिटिक कैटो एसिडियोसिस क्या है सीरियस कॉम्प्लिकेशन है जो बहुत लाइफ थ्रेटनिंग होता है जब आपके पास इनफ इंसुलिन नहीं है कि ब्लड शुगर सेल्स में आ जाए ठीक है इससे ये चीज़ हो जाती है टाइप टू डायबिटीज क्या है इट इज़ एन इम्पेयरमेंट इन द वे द बॉडी रेगुलेट्स अब टाइप में इंसुलिन है ही नहीं इसमें बहुत ज्यादा होता है टू मच शुगर ब्लड स्ट्रीम ठीक है ये ग्लूकोज का एज अ फ्यूल यूज करता है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व बैलेंस बिटवीन इंसुलिन प्रोडक्शन इंसुलिन रेस्पॉन्स में ग्लूकोज मेटाबोलिज्म क्या होता है एक बैलेंस होना चाहिए कि कितना इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है कितना रिस्पॉन्स हो रहा है जब फूड डाइजेस्ट हो रहा है तो कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में ब्रोकन डाउन होता है है ना फिर ग्लूकोज एब्बॉर्ब करते हैं इंटेस्टाइम ब्लड में जहाँ वो लिवर पे जाता है फिर अदर ऑर्गन्स तो राइजिंग लेवल ऑफ ग्लूकोज ट्रिगर द पैनक्रियाज टू सिक्रीट इंसुलिन इन द ब्लड स्ट्रीम और फिर जो राइजिंग लेवल ऑफ ग्लूकोज है वो क्या करेगा वो पेनक्रियाज को ट्रिगर करेगा कि वो इंसुलिन सिक्रीट करे लेकिन जब ये बैलेंस बिगड़ता है तो टाइप टू डायबिटीज हो जाता है मतलब जब सेल्स जो होती है फैट में मसल्स में लिवर में ये अपनी अबिलिटी को जब लूज कर देती है टू रिस्पॉन्ड टू द इंसुलिन इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस तो पैनक्रियास क्या कर रही है अपने इंसुलिन प्रोडक्शन को और ज़्यादा बढ़ा दे रही है फिर जब ये जब वो बढ़ा रही है तो बैलेंस बिगड़ गया इन टू इट्स प्रोडक्शन एंड यूसेज इस वजह से टाइप टू डायबिटीज होता है इसमें भी सिम्टम क्या है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होना फटीक ड्राइनेस ऑफ माउथ इम्पोर्टेंस इेगुलर मेंस्ट्रुएशन होना लॉस ऑफ सेंसेशन फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन ऑफ स्किन गम्स यूरिनरी सिस्टम है ना ये सारे कुछ इट इज एसोसिएटेड विद थिकनिंग ऑफ आर्टरीज ड्यू टू द बिल्डअप ऑफ वेस्ट इन द इसीलिए जब जिसको डायबिटीज होता है ना उसको रिस्क फैक्टर्स होते हैं फॉर सी एच डी या हाइपर टेंशन ये इसमें सबसे ज्यादा लीडिंग कॉज है ब्लाइंडनेस की वो में रिजल्ट फीट रिजल्टोर्सो इट इज अ रिस्क फैक्टर फॉर डिजीज या डिमेंशिया इसके लिए भी यह बहुत ज्यादा एक रिस्क फैक्टर होता है एंड इज इंक्रीजिंगली रिकोगनाइज बी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जिसमें ब्रेन की इनबिलिटी होती टू तो रिस्पॉन्ड टू द इंसुलिन डायबिटीज के साइकोसोशल फॉल आउट भी होते हैं क्या साइकोसोशल फॉल आउट है सेक्शुअल फंक्शनिंग में डिप्रेशन का रिस्क होना कॉग्नेटिव डिसफंक्शन होना लाइफ स्टाइल फैक्टर्स जो हैं उसमें ओबेसिटी पुअर डाइट लैक ऑफ एक्सरसाइज पर्सनैलिटी फैक्टर्स भी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं जॉब स्ट्रेन से इसका इंक्रीज रिस्क बढ़ता है डिप्रेशन से रिस्क बढ़ता है स्ट्रेस से भी रिस्क बढ़ता है एक्टिव सेल्फ मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है अगर इसको प्रिवेंट करना है लाइफ स्टाइल अपनी अच्छी करिए एक्सरसाइज करिए वेट लॉस करिए ओबेसिटी अगर है तो एक नॉर्मल वेट अचीव करो एक्सरसाइज करो अब अगर इन दोनों का देखो कंपैरिजन किया जाए तो कंपैरिजन भी इम्पॉर्टेंट है क्या है कंपैरिजन? टाइप वन सडन हो जाता है ये ग्रेजुअल होता है धीरे धीरे ये किसी भी एज में हो सकता है मोस्टली यंग में होता है ये मोस्टली एडल्ट्स में होता है ये थिन या नॉर्मल लोग होते हैं बॉडी में ये ओबीस हो जाते हैं ये कॉमन है इसका कैटो ये रेयर है ऑटो एंटीबॉडी यूजली इसमें प्रेजेंट होती है या एबसेंट होती है इंसुलिन इसमें लो या एबसेंट होता है इसमें नॉर्मल डिक्रीज या इंक्रीज होता है ठीक है तो ये याद रखो इसका स्क्रीन ले लेना इसी तरह ये देखो जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे होता है ये जेनेटिक रिड्यूज कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होते हैं जो आपके पर्सनलिटी आपके लाइफ और ये सब चीज़ों से रिलेटेड होते हैं इसमें एक्टिवेशन होता है एंड ऑटो एंटीबॉडीज अकर होगी ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स होगा इंसुलिन सी पेप्टाइड कम हो जाएगा बीटा सेल डिस्ट्रक्शन फिर आपको डिफिशेंसी हो जाएगी इसमें क्या है इंसुलिन रेजिस्ट होने लगता है तो इसमें इंसुलिन ये और सी पेप्टाइड बढ़ गया डिसरेगुलेशन हो गया ग्लूकोज टॉलरेंस नहीं कर पा रहा है तो बीटा सेल इंसफिशेंसी जितनी चाहिए उससे ज़्यादा हो गई तो टाइप वन में इंसुलिन कम हो रहा है इसमें इंसुलिन बढ़ जाता है तो दिस इज ठीक है बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट द द थिंग तो इसको अच्छे से करो पढ़ो एंड आई होप इसमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन है इट इज़ इनफ बहुत ज़्यादा ये इनफ है तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना साइकोलॉजी की पाठशाला को एंड होप टू मीट यू सून विद अ न्यू वीडियो जिसमें कि कुबला रॉस मॉडल ऑफ डेथ लेकर आएंगे ठीक है कोशिश करते हैं नहीं तो साइको न्यूरोम्यूनोलॉजी वॉट एवर आई विल फील इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन आई ब्रिंग इट फर्स्ट एंड देन आई कम टू अनदर वन ठीक है कोबला रॉस मॉडल थोड़ा ले आते हैं थोड़ा सा मन को इससे इस टॉपिक्स थोड़ा हट जाते हैं सो लेट्स सी ठीक है सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड प्रिपेयर वेल